नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 30 अगस्त 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2022 के अगले महामुकाबले की शुरुआत से पहले आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए 3-4 बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही, जिनमें कुछ कुछ खबरियां भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं। वही दूसरी तरफ आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग कल अचानक से वुड कंपनी ने काफी सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स किए, जिसके चलते आईपीएल को देखने का नजरिया यहां पर पूरी तरह से बदलने वाला है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2022 को लेकर, जहां पर भी आप सभी को पता है कि टीम इंडिया ने एशिया कप 2022 में अपना पहला महामुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला। पाकिस्तान को यहां पर बुरी तरह से टीम इंडिया ने हराया है और वही यहां पर टीम इंडिया को अपनी पहली जीत भी मिल गई है, जिसके बाद अब टीम इंडिया और सभी भारतीय क्रिकेट फैंस की निगाहें भारतीय टीम के अगले महामुकाबले पर होने वाली है। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि एशिया कप 2022 के ग्रुप ए में भारतीय टीम अपना सेकेंड महामुकाबला 31 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से हांगकांग के खिलाफ शारजा के शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में हमें खेलती हुई नजर आने वाली है। यह मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है। इस महामुकाबले में हमें भारत की प्लेइंग 11 में काफी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक कैसा बताया जा रहा है कि इस महामुकाबले में हमें भारत के बोलिंग डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आवेश खान को प्लेइंग 11 से बाहर करके उनकी जगह पर किसी अनदर गेंदबाज को यहां पर स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। ऋषभ पंत भी हमें यहां पर भारत की प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसको बाहर किया जाएगा यह भी बड़ा सवाल होने वाला है। हांगकांग के खिलाफ होने वाले महामुकाबले के लिए हमारे जो पर्सनल फेवरेट प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसका आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे। मेरे मुताबिक कुछ ऐसी होगी इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11, लेकिन आपके मुताबिक कैसी होनी चाहिए प्लेइंग 11 आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है भारतीय टीम के हेड कोच को लेकर। एशिया कप 2022 की शुरुआत से जस्ट पहले भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ COVID-19 पॉजिटिव हो गए थे, जिसके चलते टीम के साथ वो ट्रेवल नहीं कर पाए थे। COVID-19 पॉजिटिव थे, वो भारत में ही थे और ऐसे में यहां पर VVS लक्ष्मण को उनकी ड्यूटी सौंपी गई थी। जी हां, VVS लक्ष्मण को यहां पर भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया था, लेकिन फाइनली यहां पर राहुल द्रविड़ COVID-19 से पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट में उनकी रिपोर्ट यहां पर नेगेटिव आई है, जिसके चलते आगामी महामुकाबले में टीम इंडिया के साथ वो हेड कोच के पद पर हमें नजर आने वाले। आपको बताना चाहूंगा एशिया कप 2022 में भारतीय टीम का हिस्सा बनने के लिए फाइनली राहुल द्रविड़ दुबई भी पहुंच चुके हैं और भाई वहां पर जाने के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ, टीम मेंबर्स के साथ उनकी बिल्कुल अच्छी तरह से वार्तालाप भी हो चुकी थी। ऐसे भाई कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी यहां पर सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए निकल कर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है 28 अगस्त को खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले को लेकर, जहां पर भाई पाकिस्तान की टीम को टीम इंडिया ने धूल तो जरूर चटाई, लेकिन यहां पर काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, डिजिटल राइट्स पर और भाई लाइव टेलीकास्टिंग पर काफी सारे विशाल रिकॉर्ड्स यहां पर बने हैं। जी हां, सभी रिकॉर्ड्स को एक बार फिर से यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के T20 महामुकाबले ने तोड़ दिया है। जी हां, एक साथ हॉटस्टार पर 1,30,00,000 लोग लाइव देख रहे थे, उसके अलावा टीवी राइट्स में भी यहां पर काफी बड़ा असर हुआ है। इस महामुकाबले की जो TRP थी वो काफी ज्यादा अपर लेवल तक गई है। जी हां, T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट टाइम हुआ था उससे भी ज्यादा TRP भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में जो मैच हुआ उस मैच ने गेन की। तो ऐसे भाई कहीं ना कहीं दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को और सभी के सभी जो टीवी राइट्स है, मतलब जिन्होंने टीवी के राइट्स खरीदे थे, स्टार स्पोर्ट्स को बड़े बड़े बेनिफिट यहां पर इस महामुकाबले से हुए हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर बीसीसीआई और आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमों ने जोरों शोरों से अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी। और आपको पता है कि भाई आईपीएल 2023 के डिजिटल होस्टिंग राइट्स फिलहाल वूट कंपनी के पास है, और वूट कंपनी ने कल यहां पर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की, जिस अनाउंसमेंट को जानने के बाद सीरियसली आप सभी फैंस भी काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। जी हां, वूट ने कल ऐसा बोला कि आईपीएल को होस्ट करने के लिए वो अपना अलग से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर भाई आपको 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी में हमें यहां पर एशिया कप के महामुकाबले देखने को मिलेंगे, सॉरी यहां पर आईपीएल के महामुकाबले देखने को मिलेंगे। हालांकि भाई एशिया कप में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से जुबान पर बार बार एशिया कप जरूर आ, लेकिन खबर ये आईपीएल को लेकर है, जहां पर भाई आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग कैमरा एंगल से हम यहां पर अपने मोबाइल में ही अलग अलग, मतलब जिस एंगल से हम चाहे, चाहे हम ऑडियंस एंगल से, चाहे हम, चाहे हम फ्रंट एंगल से, चाहे हम बैक एंगल से, चाहिए जिस तरह से हम मैच को देखना चाहे बिल्कुल उस तरह से देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव ऐप पर कनेक्ट होकर भी हम एक साथ महामुकाबले को लाइव देख सकते हैं। तो वैसे में कहीं ना कहीं आईपीएल को देखने का जो नजरिया है वो यहां पर काफी ज्यादा बदलने वाला है, और भाई कहीं ना कहीं आईपीएल को देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वूट कंपनी की जो सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं आप सभी को काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 में अगले होने वाले महामुकाबले को लेकर, जहां पर भाई काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं भाई किस तारीख को हमें भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें अपना अगला महामुकाबला हांगकांग के साथ खेलने वाली, और यदि यहां पर दोनों टीमें हांगकांग को हरा देती तो ऐसे में यहां पर 4 सितंबर को, जी हां नेक्स्ट संडे को भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे शारजा के स्टेडियम पर भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से क्लैश करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर मैं तो यही चाहता हूं भाई हांगकांग दोनों मैच हारे और फिर से हमें भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल थ्रिलर महामुकाबला देखने को मिले। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है लेजेंड्स लीग 2022 को लेकर, जी हां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, लगातार हमें शेड्यूल के रिगार्डिंग बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों फिर यहां पर थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाता है। आपको पता है कि भाई 17 सितंबर से लीग का आगाज होने वाला है, 8 अक्टूबर को टूर्नामेंट का फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है। ऐसे में यहां पर सभी क्रिकेट फैंस बेसब्री से लेजेंड्स क्रिकेट लीग के सीजन 2 के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। और भाई कल ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई थी भाई कल रात को यहां पर इस टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली शेड्यूल को यहां पर एक बार फिर से डिले कर दिया गया है, जिसके बाद भाई सभी फैंस थोड़ा सा यहां पर निराश जरूर है। हालांकि LLC ग्रुप ने ऐसा यहां पर रीजन दिया कि शेड्यूल में कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसकी वजह से पूरे के पूरे शेड्यूल पर फर्क पड़ने वाला था, उन गलतियों को सुधारने के लिए अब 1-2 दिन और यहां पर LLC ग्रुप लेने वाला है। तो दोस्तों ये है आज सब दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों का आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।